आ चुके हैं साइंस विद सूरज के साथ एक न्यू वीडियो लेकर, जान डिस्कस करेंगे विराट कोहली जीता है या सिद्धार्थ मल्होत्रा। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले, हमारे घरों में एक बिल्डिंग के ऊपर जो टैंक लगा रहता है, उस टैंक के अंदर पूरा का पूरा पानी रहता है और पानी हायर कंसेंट्रेशन पे सबसे ज्यादा वही रहता है। फिर हमारे वॉशरूम्स के अंदर जो टैप्स लगे रहते हैं, जो पूरे नल लगे रहते हैं, वहां पर पानी का लोअर कंसेंट्रेशन है। और सबको पता है कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक पानी फ्लो करता है। यस 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 यू आर राइट। अगर मुझे नल से लेकर टैंक तक पानी ले जाना है तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना जरूरी है। बिना काम किए कुछ नहीं हो सकता। मान लेते हैं आप एक ब्रिज पर खड़े हैं। अब उस ब्रिज पे अगर आपकी गाड़ी टॉप पर खड़ी है तो आपको नीचे उतारनी है तो आप रेस नहीं भी दे रही है तो भी गाड़ी नीचे उतर जाएगी। वहां पर मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। बट मैं अगर ब्रिज के नीचे खड़ा हूं और मुझे ब्रिज के टॉप पर जाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चा लोग, जब भी हम लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जाते हैं तो हमें वर्क करने की खासा जरूरत पड़ती है। बिना वर्क के हम उस पर्टिकुलर चीज को वहां तक नहीं ले जा पाएंगे। अब इसको लिंक करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से और हमारे बॉलीवुड के एग्जांपल से। आप सबको पता है करंट फ्लो करने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। करंट की डेफिनेशन ही क्या होती है? द फ्लो ऑफ चार्जेस। हाँ भैया, समझना ध्यान से, ये जो चार्ज है क्यू, हम चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। इस फ्लो करवाने के लिए इसको लेके तो आना जरूरी है ना, और इसको लेके आने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज हायर कंसेंट्रेशन में नहीं बैठा है, हमें इसे हायर कंसेंट्रेशन पर लेके जाना है। तो कैसे ले जाएंगे समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अनुष्का जी से। अनुष्का जी ने विराट बाबू को कॉल लगाया, बाबू कहाँ हो, घर में लाइट चले गई है। घर में लाइट चले गई है। अब विराट बाबू भागते भागते गए कि यार अनुष्का के घर में लाइट चले गई है। तो अब अनुष्का ने बोला, लाइट तभी आएगी यार जब चार्ज आएगा। सही बात है यार। तो विराट बाबू ने बोला, अब मैं जल्दी से जाऊंगा, पहले चार्ज को लेके आऊंगा, और जैसे ही चार्ज आ जाएगा वैसे ही लाइट आ जानी है, इलेक्ट्रिसिटी आ जानी है। तो भैया विराट बाबू गए जल्दी से, किसको लेने के लिए? चार्ज को। ये जाते हैं चार्ज लेने के लिए। कितने देर से कितना काम करना पड़ गया इनको। तेरा पजामा फटा है, तेरा पजामा फटा 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 फटा, किधर फटा ले? इनको काम करना पड़ेगा 50 जूल, और ये बदले में चार्ज लेके आए 10 कूलम का। 50 जूल का वर्क किया और 10 कूलम का चार्ज लेके आए। भैया इससे अनुष्का जी की लाइट, घर की लाइट आएगी तो 10 मिनट ही, बट आएगी जरूर। अब 50 जूल वर्क किया कैसे, कहां से कहां किया? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, और लेके क्या आए? चार्ज। तो हम इस चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, कि ऐसा अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इंफिनिटी से लेकर चार्ज को हम उस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, समझ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इसको डिनोट करते हैं वी से, और बोलते हैं कि कितना वर्क किया और कितने चार्ज लाने के लिए किया। तो वर्क किया विराट जी ने 50 जूल, अनुष्का जी को 10 कूलम का चार्ज दिया, तो ये हो गया आपका 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे विराट जी ने किया। समझ गया। बट क्या सिद्धार्थ जी उनसे जीत पाएंगे, ये भी तो चेक करना जरूरी है। अब आप बच्चों की पर्सनल फेवरेट कियारा दीदी। अब कियारा आडवाणी ने बोला कि यार अभी अभी शादी हुई है, रिसेप्शन में खाना खत्म हो चुका है, तो सिद्धार्थ जी को बोले भागते भागते आओ, ये तो मेहमान मारेंगे यार पटक पटक के। तो सिद्धार्थ जी बोले बेबी अभी आ रहे। अब खाना तो खत्म हो ही चुका है, साथ साथ लाइट भी खत्म हो चुकी है। अरे भाई ये तो दो दो चीजें हो गई। तो कियारा जी बोले जल्दी से जाकर चार्ज लेके आओ, जैसे विराट लेके आया अनुष्का के लिए। सिद्धार्थ ने बोला मैं और स्पीड से जाऊंगा और मैं और जल्दी लेके आऊंगा। बट अब सिद्धार्थ जी विराट कोहली जितने थोड़ी ना फिट है, विराट कोहली जैसे थोड़ी ना क्रिकेट खेलते। सिद्धार्थ जी गए किसको लेने के लिए? चार्ज को। काम तो अभी भी इन्होंने 30 जूल का किया, बट चार्ज 10 कूलम लेके आए। खुद देखो, चार्ज तो दोनों सेट एक ही लेके आए, 10 कूलम 10 कूलम,
दोनों के लिए लाइट 10-10 मिनट ही आ रही है, बट सिद्धार्थ ढीले थे तो इसलिए उनको 30 जून का वॉक करना पड़ गया। तो वही सिद्धार्थ जी ने भी चार्ज ही लेके आए, कहां से कहां, इंफिनिटी से वो पॉइंट, और ऐसा करने के लिए उन्हें वर्क करना पड़ा। तो हम अगर सिद्धार्थ जी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें तो वो हुआ उनका 30 जूल का वर्क, 10 कूलम का चार्ज, तो उनका पोटेंशियल आया 3। अब किया रे दीदी परेशान हुए, क्या सिद्धार्थ अच्छे नहीं हो? सारी उम्र में जो बड़े यारे विराट ही अच्छे, काम तो जल्दी करते हैं। तो देखिए विराट का 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिद्धार्थ का 3 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो और पोटेंशियल डिफरेंस का असली मीनिंग क्लियर हुआ होगा। ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल साइंस विद सूरज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे। सर लोग बहुत नींद बना लेंगे लोग, वो एक पीछे में हंसी आई थी उस पर, क्यों 11 बोल रहे आप, विराट जल्दी काम करता है।